शेड्यूल मैंने नहीं बना हल्द्वानी सर हर कोई मुझे इशक ज्यादा याद है चलो हल्द्वानी नहीं तुम्हें वो जोक याद नहीं है इशक ज्यादा का जहाँ पे तुम लॉल करके गिर गई थी आधी सीलिंग इशकजादे की रीडिंग चल रहे थे मैं और ये बात नहीं करते थे रीडिंग के बीच में चुप रहता था और ये लॉल लॉल करके हंसती थी मैं बोलता था अच्छा ये क्या बात है लॉल एरोगेंट इन दोस डेज लॉल मतलब क्या लाफ आउट लाउड मतलब हंस दो ना लॉल कौन बोलता है वो लॉल आई से लॉल लॉल हा या क्या पागल है ये मैंने बहुत खराब जोक क्रैक किया था कुछ
एक्चुअली सीलिंग पूरी खत्म ही नहीं हुई आज तक ना, तो मैंने कहा कि यार किसी को पता नहीं, वो ऐसा कुछ आधी सीलिंग ये हंस हंस के गिर गई, आधी सीलिंग तो तब पहली बार मैंने बोला देखो फाइनली हंसी तुम आधी सीलिंग। मैं आल्सो हंसी थी क्योंकि दिस इज अ बॉम्बे थिंग, ये लोग इनका जेंडर गलत होता है ना, आधा आधी ये लोग गलत बोलते हैं। नहीं तो मैंने जस्टिफाई किया, मेरे हिसाब से सीलिंग इज फीमेल, फीमेल फॉर हिम एवरीथिंग इज फीमेल, बिकॉज़ सारी दुनिया का बोझ उठा रही है तो सीलिंग इज फीमेल। चलो चलो किसकी तरफ देखना, आपके तरफ ही देखे ना, मुझे देखे। कैमरा इज इन हिज आईज, मेरी आंखों में देखो तो मैं क्या नजर आता है सर, कैमरा। ओ सॉरी सॉरी, कुछ कंफ्यूजन। ओके बोलो। प्रमोशन का दौर चल रहा है वडोदरा में, आप लोग अरे आईपीसीस मतलब आईपीसीस इतनी आए तो ही इज लुकिंग लाइक डॉक्टर डाइंग। नहीं तू ऐसे पूछ ले, फिर ऐसे हो जाए थोड़ा दूर, नहीं थोड़ा दूर हो जाए, मतलब ऐसी पोजीशन में था कि आई कुडंट कंसंट्रेट। अच्छा प्रमोशन का दौर है, आप लोग वडोदरा आए हुए हैं वरुण, इनको कंटेंट बहुत अच्छा मिला है हमने। बोलो, कुछ बोलो 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 सर, आप लोग थाली भी खाए गरबा और डांडिया के लिए जाने वाले, कितनी तैयारी थी, क्या क्या प्रिपरेशन? थाली इज बेटर देन परिणीतिस गाली, दैट इज द मेन थीम ऑफ द इवनिंग, कि थाली जितनी चाहे खा लो ताकि गाली ना मिले। ओह माय गॉड माय स्टमक इज हर्टिंग। ओके थाली खाओ तुम। थाली खाने का मजा यही है कि आप जब किसी सिटी में आते हो या किसी स्टेट में आते हो, वहाँ का फ्लेवर जो है वो बॉम्बे से थोड़ा अलग ही होता है, घुल मिल जाते हैं हम लोग भी, हमें मौका मिलता है कुछ नॉर्मल चीजें करने का जो प्रमोशन के दौरान कमी मिलती है या फिर शूटिंग के दौरान भी कमी मिलती है। तो ये आइडिया ऐसे कोई खास नहीं था कि यार कुछ नया करते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसी चीजें करते हैं प्रमोशन के दौरान, बिकॉज इससे कैजुअलनेस भी आती है, बातचीत भी होती है, कल्चर का भी पता लगता है और साथ में फिल्म की थोड़ी मार्केटिंग भी हो जाती है। इश्क की हद बताई गई है फिल्म में, आप दोनों के लिए इश्क की हद क्या होनी चाहिए? परी अगर आप इश्क की हद हो जाए तो फिर इश्क ही नहीं है, मैं समझती हूँ। आई थिंक आप ये आई थिंक आजकल की सोसाइटी बहुत कुछ हदें सोचने लग गई है और खुद ही अपनी हदें बनाने लग गई है कि मैं इतना ही करूँगा और अगर मेरा पार्टनर इतना नहीं करेगा तो बस इट्स ओवर, यू नो। ये आजकल की जनरेशन ऐसा सोचती है, लेकिन पहले हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे, इसलिए मैं मानती हूँ प्यार ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता था। एंड तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई हद होनी नहीं चाहिए, यू शुड बी रेडी टू गो एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस, फिजिकल इमोशनल, क्योंकि आप उस पर अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाकी सब लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी सक्सेस पैसा कुछ फेम कुछ भी कमा लो, इफ़ यू डोंट हैव समबडी टू गो होम टू, फैमिली कंपेनियन एनीबडी, वो सब वेस्ट है। इश्क की कोई जैसा परिणीति का कोई सीमा तो होती नहीं है, और बेइंतहा मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सात समुंदर पार ही जाना ज़रूरी होता है। आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग आज की जनरेशन नहीं कर पाते इश्क में ना, हम इश्क कर लेते हैं, हम प्यार में डूब जाते हैं लेकिन हम प्यार निभा नहीं पाते। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपकी निभाने की कोई हद नहीं होती, इवेंचुअली क्या बहुत आसान होता है कि छोड़ के चले जाना, टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप जब कुछ बुरा चल रहा हो, जब वक्त ठीक नहीं होना तो हमें लगता है कि यार बस खत्म। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उसे निभा के देखिए, वो अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है और उस जर्नी के अंत में ना आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपने पूरी या तो पूरी तरह से कोशिश की और नहीं हो पाया, या फिर आपकी कोशिश इतनी सच्ची थी कि सब सही हो। जैसा देश वैसा भेष।